नमस्कार, आप देख रहे हैं सीओलाइट 24 व्हाट्सएप बुलेटिन। मैं हूं विमल राय। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। आज की होर में मारवाड़ी महिला मंडल ने बड़ा बाजार स्थित अग्रवाल पंचायती भवन में महिलाओं के लिए सावन के मेले का आयोजन किया गया। मारवाड़ी महिला मंडल द्वारा आयोजित इस मेले में कई स्टॉल लगे हैं। इस स्टॉल में महिला मंडल के सदस्यों द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा गया है। मेले की विशेषता है कि महिला मंडल इस मेले को विगत 10 वर्षों से आयोजित कर रही हैं। इस मेले में स्टॉल पर बिक्री के लिए जो वस्तु रखी गई हैं उनको महिला मंडल के सदस्यों ने ही बनाया है। महिला मंडल के सदस्य पुष्पा सोनी ने बताया कि हमारे महिला मंडल सावन के इस मेले का आयोजन 10 वर्षों से कर रहे हैं और इस तरह के आयोजन से महिलाओं का आत्मविश्वास के साथ साथ स्टॉल लगाने वाली महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी करते हैं। मैं अभी मारवाड़ी महिला मंडल की मीडिया प्रभारी हूँ। प्रतिभा जी जवान हमारी अध्यक्ष है। प्रतिवर्षानुसार 10 वर्षों के परंपरा को निभाते हुए मारवाड़ी महिला मंडल सावन के मेले का आयोजन करता आ रहा है। काफ़ी कुछ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनको मौके दिए जा रहे हैं। उसमें हर तरह के स्टॉल आते हैं। ज्वेलरी की महिलाएँ देती है, उसके स्टॉल भी रहते हैं, राखियों के भी स्टॉल रहते हैं। काफी सपोर्ट सब तरह से मिलता है हमको और ये सफलता का 10वां वर्ष है। ये कितने सालों से करा रहे हैं आप? 10 साल। शिवसेना गोजन कल्याण संघ एवं जय महाकाली दल की प्रदेश अध्यक्ष अनुवर तिवारी ने आज से धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल शुरू कर दिए। उन्होंने बताया है कि प्रदेश व जिले में शराब के सेवन से कई महिलाएं विधवा हो रही हैं, कई बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अब तो हालात यह हो गए हैं कि नाबालिग युवक भी शराब की चपेट में आ रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, साथ ही निर्दोष लोगों को भी दुर्घटना की चपेट में ले लेते हैं जिससे उनकी अनायास मृत्यु हो जाती है। शराब के आदि व्यक्ति का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उन्होंने बताया है कि इसी को लेकर आज से स्थानीय परशुराम चौराहे पर अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। शराबबंदी से बहुत लोगों की जान जा रही है। दुर्घटना भी शराब के कारण हो रही है। महिलाओं का सुहाग भी शराब के कारण उजड़ रहा है। इसलिए शराबबंदी के लिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो फिर आगे और क्या करेंगे? अनिश्चितकाल भूख हड़ताल करूंगी और पूरे प्रदेश में कहीं भूखे बैठे बैठे अपने प्राण रिकवर कर लूंगी। नसरुल्लागंज नगर के मिलन मैरिज गार्डन में एक दिवसीय जीएसटी जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर की प्राथमिक जानकारी दी गई, जिसके आयोजक ICARA के एंड एसोसिएशन टैक्स कंसल्टेंट ने किया। वहीं सहयोग नगर परिषद नसरुल्लागंज द्वारा किया गया। नसरुल्लागंज नगर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल में अधिकारी कर्मचारियों के लापरवाही से छात्र परेशान है, जिस कारण मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक आवेदन देकर जिला मंत्री भाजपा मोर्चा कैलाश पेठारी द्वारा आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया गया है कि हॉस्टल के अधिकारी कर्मचारी हॉस्टल में नहीं रहकर इधर उधर बैठते हैं, महीने में कभी कभार आते हैं और रसोइयों को थोड़ा बहुत सामान दिलाकर चले जाते हैं। जिला मंत्री ने बताया है कि बच्चों से पूछताछ करने पर बताया है कि भोजन भी ठीक ठाक नहीं मिलता है। हॉस्टल दिया क्या है? हॉस्टल का क्या ड्यूटी पे नहीं रहते कर्मचारी? अच्छा, देखा रहा इधर उधर घूमते फिरते। अच्छा, क्या कौन कर्मचारी है वहाँ? वो तो यहाँ पे कर्मचारी है राज सिंह है, रामविलास है और भी। तो ये हॉस्टल में ड्यूटी नहीं करने के बजाय मतलब इधर उधर घूमते? खुले घूमते। अच्छा, नसरुल्लागंज नगर के नरवर तट क्षेत्र ग्राम छिंदगांव कांची आंबा जजीर बड़गांव में उद्यान विकास अधिकारी राजेंद्र माझी शासकीय उत्तर नर्सरी ग्राम सतराना विकास खंड में पदस्थ जो कि उद्यानती विभाग में मनरेगा योजना अंतर्गत ट्रेनिंग सुधा ट्रेड शासकीय कर्मचारी माझी जो कि लगभग 10 माह से लगातार ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना अंतर्गत 353 कृषकों के यहाँ 210,000 हेक्टर निजी भूमि में 80,673 पौधों का रोपण कराया गया, जिसमें से ग्राम पंचायत छिंदगांव कांची में 84 कृषकों के यहाँ 43,500 हेक्टर एवं ग्राम पंचायत आवाज अजीत में 26 कृषकों के यहाँ 15,000 हेक्टर एवं ग्राम बड़गांव में 43 कृषकों के यहाँ 19,500 हेक्टर भूमि में 32,177 मनरेगा योजना अंतर्गत कलमी आम ग्राफेड अमरूद संतरे का पौधारोपण कराया गया। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की सभी पढ़ाई भी मतलब उस समय पूर्ण हो जाती है तो उनको भी गड्ढे में लगवाए बेचारे। और अभी तक उनने क्या करा, वृक्षारोपण 2 तारीख को एंड कर दिए। दो कौन सी? 2 तारीख को? ये 2 जुलाई को। अच्छा, इसके बाद में अभी तक हमारे प्रशासन से 1 भी रुपया नहीं निकला। अच्छा अच्छा, ना तो मजदूरी निकली गड्ढा की ना कहीं निकली। एक ही बार में जो भी पौधा हमने लगाए, जैसे 1 हेक्टर में कलमी आम के पौधा लगाए तो उनमें से कम 50 पौधा खड़े खड़े सूख गए।
एक के बाद में जैसे संतरा के 280 पौधा बनने लगा, तो मैं भी मतलब 80-90 पौधा के करीब में सूख गया, ये भी सूख गए। अब जिन एजेंसी से इनने पैसा लिए वो बता रहे हैं अधिकारी अपने यहाँ के बिलाक अधीक्षक सतराना नर्सरी वाले कि भाई पैसे आपके खाते से कटेंगे तो वो सूखे पौधा के पैसे हम क्यों कटवाएं। अच्छा, जो सूख गए उस पौधे के पैसे आपके खाते से कटेंगे, मजदूर के खाते से। अच्छा, तो वो क्यों कटना चाहिए भाई? वो जिस एजेंसी से आपने पौधा लिया, नहीं ये कहना कौन का है ये कहना है, नहीं ये कौन का कहना है कि ये आपके मजदूर के खाते से मतलब राजन माझी अपने सतराना वाले। अच्छा, मतलब अधिकारियों का भी कहना यही है कि मतलब वो तो उनके खाते से कटेंगे। अच्छा, किसान के। अच्छा, अब किसान के खाते से ये पैसे यदि कटते हैं तो किसान का तो बगीचा भी उजड़ गया, जमीन भी उजड़ गई, और वो नहीं किसान के खाते से कटेंगे या मजदूर के खाते से कटेंगे? हाँ, किसान मजदूर वही जो मनरेगा योजना के अंतर्गत किसान जो थे लघु सीमांत किसान थे तो वो मजदूर ही है। अच्छा, मतलब ना तो किसान में रहे ना मजदूर में रहे। वो जमीन किसकी है जिसमें पौधे लगाए? निजी जमीन। सीहोर नगर में चल रहे सीवेज कार्य से अब आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के मौसम में हुई बारिश ने सीवेज कार्य की पोल खोल दी है। नगर में जहां तहां खुदाई से नगर की जनता के साथ साथ नगर में आने वाले वाहन भी परेशान हो रहे हैं। आज कोतवाली चौराहे पर एक टाटा 407 जब सामान लेकर आ रहा था, उसी दौरान कोतवाली के समीप ट्रक के पहिया रोड में धंस गया और ट्रक एक और खतरनाक तरीके से झुक गया। ट्रक चालक ने फौरन ही ट्रक को बल्लियों के सहारे से टिकाया। ट्रक के पहिए का मेन रोड पर इस तरह से धंसना नगर में चल रहे सीवेज की खुदाई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। गौरतलब है कि वाहनों के सड़कों पर फंसने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले 20 दिनों में नगर के विभिन्न मार्गों पर 10 से अधिक वाहन सीवेज खुदाई का शिकार हो चुके हैं। इस ओर लेकिन नगर पालिका भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। सीहोर लाइव 24 के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 व्हाट्सएप बुलेटिन। नमस्कार।